अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सरब से कि आप लोग सब अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे, अपनी फैमिली के साथ और सरब के शुक्रगुजार होंगे। आज आप देख रहे हैं आपके अपने मुल्तानी किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यम्मी सा स्पेशल लोहरी कीमा, जो कि बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत शौक से खाया जाता है और लोग बड़े शौक से उसका ऑर्डर देते हैं, जो मैं बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बनाना सिखा रही हूँ। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कीमे को मैंने लेकर वॉश कर लिया है। उसके बाद दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, इन सब के कटिंग कर ली है। और स्पाइसी में हल्दी, नमक, सूख मिर्च पिसी हुई और धनिया पाउडर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ कुकिंग के लिए मैंने आई ले लिया है और पैन को ऑन कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। प्याज को मैं 1 से 2 मिनट सिर्फ सॉफ्ट करूँगी। बस मैंने इसे सॉफ्ट किया है ब्राउनिंग की। अब इस टाइम इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी 1 से 2 मिनट आप देख सकते हैं अदरक लहसुन हमने भून लिया। अब इस टाइम इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं टमाटर और इसके साथ ही इसके तमाम स्पाइसी, जिसमें सूख मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी, इन सबको मिक्स करेंगे और इनमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगी मैं। इसे हम देख सकते हैं सब चीज़ें कुक हो गई हैं, सब मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। हमने डाल दिया है, इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट मैंने इसे पकाया है, तमाम इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर इन्होंने चले गए हैं। अब इस टाइम में इसमें डालूंगी दही और उसे पकाएंगे ताकि दही इसमें अंदर का और दही का फ्लेवर भी कीमे में शामिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं दही डाल के हमने इसे कुक किया था और कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी है। अब इसमें इस टाइम डालूंगे लेमन। जी जनाब, लेमन का जूस जो इसकी लज्जत को और दुबला कर देगा। इसमें दही का टेस्ट, टमाटर का टेस्ट, ऊपर से लेमन का जूस का टेस्ट, इट्स अ वेरी अमेजिंग टेस्ट। जस्ट अब इसे मैं पैन को ऑफ करने लगी हूँ। लेमन का जूस डाल के इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इसे मैं गार्निश करूँगी। अब इसमें गार्निश के लिए मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला जी पिसा हुआ, जिसका फ्लेवर इसको और ख़ूबसूरत बनाएगा, और धनिया, फ्रेश धनिया और साथ हरी मिर्चें जो कि मैंने लंबाई के रुख में, और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी और बहुत क्विकली बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।